जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अभी भी एक आतंकी के घिरे होने की खबर है। देश के रक्षा मंत्री ने इशारों में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दे दी कि जरूरत पड़ी तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। टेररिस्तान की आतंकी साजिशों के खिलाफ आप में हम में हर किसी में गुस्सा है, क्योंकि ये सवाल देश की संप्रभुता का है, देश के बॉर्डर्स का है। भारत के 135 करोड़ लोग प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी इस मुश्किल हालात में देश की सेना, हमारे सुरक्षा बलों और इस मामले पर सरकार के साथ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन इस बीच कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई बता रहे हैं। वकालत करते हुए ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य करने हैं तो बातचीत की टेबल पर बैठना होगा। ऐसी सोच रखने वाले लोगों में इमरान खान के परम मित्र और कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू शामिल है। बातचीत और संवाद को ही वो एकमात्र समाधान बताते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब सामने वाला AK-47 से गोलियां चला रहा हो, जब सामने वाला आपके यहां आतंक भेज रहा हो, आतंकी भेज रहा हो, आतंकी संवाद भेज ना आतंकी सामान भेज रहा हो, तो फिर क्या आप उसके साथ संवाद कर पाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आतंकवादी भारत पर प्रहार करते रहे और भारत संवाद की टेबल पर पाकिस्तान का नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े भाई का इंतजार करता रहे? और इसीलिए ताल ठोक के आज हम ये सवाल पूछेंगे, क्या कांग्रेस के भाईजान इमरान हैं, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी पर? क्या ये सिद्धू की जुबान और राहुल गांधी का प्लान है, क्योंकि आज संबित पात्रा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये सीधा आरोप लगाया गया कि ये सब कुछ नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी के इशारे पर किया है। हिंदुस्तान या इमरान, सिद्धू इसमें किसके हैं? राहुल कप्तान तो फिर क्या बिग ब्रदर है इमरान? और आज एक और बात कही संबित पात्रा ने कि तुष्टीकरण के लिए, वैसे भारत में ऐसा कौन होगा जो इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर वोट डाल सकता होगा, लेकिन बीजेपी कह रही है ये तुष्टीकरण की कोशिश है। तो क्या अब इमरान खान नियाजी भारत में चुनाव जिताएंगे? ये वो सवाल है जिन पर होगी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आपको मनजिंदर सिंह सिरसा दिखाई दे रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल से हैं। मेजर जनरल एसपी सेना आपके स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ प्रिंस खुल्लर भी हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन उससे पहले गुरजीत सिंह औजला हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है औजला साहब, और पहला सवाल आपसे ही मेरा पहला सवाल है, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड टाइम निकाल कर आए हैं, और सवाल मेरा आपसे जो है वो यही सवाल है कि जो भारत में आतंकी भेजे, जो भारत में आतंकी सामान भेजे, जो भारतीय सैनिकों को टारगेट करने की नापाक कोशिश करे, वो इमरान खान सिद्धू के भाईजान है? नवजोत सिंह सिद्धू का निजी कमेंट है, निजी दोस्त है, फर्स्ट टाइम नहीं वो मिले, ये को आज की दोस्ती नहीं है, पुरानी दोस्ती है। मैं उसके साथ ये कह रहा हूं, इस कमेंट के साथ ये जोड़ रहा हूं, आईसीबी के ट्रैक स्कैंडल लगाने में किसने मना किया है, वो किसके वो उसको किसने निमंत्रण दे रखा है कि ये नहीं चलाओ, चाइना को घर बनाने का निमंत्रण किसने दिया है, जो भी हमें बता दीजिए। ये बीजेपी का अपना फैसला है, आरएसएस का फैसला है, या मोदी जी का फैसला है, ये हमें बता दीजिए। सर, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान, इस बयान को सुनकर जिसमें वो इमरान खान को बड़ा भाई बताते हैं, सर इसे सुनकर क्या कोई भारत में खुश होगा? ये इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? क्योंकि आपको और आपकी पार्टी को एम्बैरेस कर रहे हैं, कोई खुश हो सकता है क्या इस बयान से भारत में? जिसका दोस्त होता है उसको खुशी होती है, जिसका रिश्ता होता है उसको खुशी होती है। मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त हो सकता है किसी को ना खुशी है, लेकिन उसको खुशी हो ही होगी। उसको भाई कहने से क्या तकलीफ है? हमारे रिश्ते में परंपरा में कहते हैं सारे को, जिसका दोस्त होता है उसको भाई कहते हैं। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूं, उसका तो एक रिश्ता रहा है चाइना के साथ, मैं तो कह रहा हूं यही रिश्ता मैं पूछना चाहता हूं, जिसको रेड कार्पेट करके घर बनाने की इजाजत दी है, गांव बसाने की इजाजत दी इंडिया में, उनसे आपसे क्या रिश्ता है? आरएसएस का रिश्ता है, बीजेपी का रिश्ता है, किसी विशेष व्यक्ति का रिश्ता है? कौन ट्रक स्कैंडल लगाने से मना कर रहा है, उसका आपसे क्या रिश्ता है? जो ड्रग आते हैं उनके साथ आपका क्या रिश्ता है बताएं? नेपाल आपको आंखें निकाल रहा है, उसका उससे क्या रिश्ता है आपका? छोटा सा कंट्री है, मित्र देश था हमारा, उनके साथ क्या रिश्ता है? चाइना के साथ क्या रिश्ता है? वो बार बार जो आपकी जमीन पे कब्जा करता है, आप उनको क्लीन चिट देते हो,
क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है आपके, आपके आरएसएस का, बीजेपी का क्या रिश्ता है उनके साथ, बताइएगा, बता सकते हैं आप लोग? आप हमारे, हमारी धरती को, हमारे देश की धरती को उनको सौंप रहे हो, बता सकते हो आप लोग? आप अपना रिश्ता बता दो, उसका तो रिश्ता है वो तो सामने है, वो तो कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं है। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी पलटकर आपसे सवाल कर रहे हैं, हालांकि इनसे जो सवाल है उस पर ये जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके लिए इनके पास एक प्रॉपर कोई सफाई नहीं है, वो कह रहे हैं तो निजी संबंध है, वो ये कहते हुए इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए सर। मैं, मुझसे जो सवाल पूछे हो जरा सर, मैं उसका जवाब देता हूँ। परंतु उज्ज्वला साहब ये भी बताते हैं कि चाइना के साथ करारनामा कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बीच में जो किया था वो किसने किया था, आज तक करारनामा पब्लिक क्यों नहीं किया? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से 90 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में आया था, वो किस बैंक खाते में आया था वो बता दें जी। और उसके अलावा कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से लिए और उनके बिहाफ पे बोलने के लिए कितने पैसे लिए ये बता दें। और मैं आज आपके चैनल पे रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि भारत की 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा पाकिस्तान चाइना के पास नहीं है। हाँ, इनके रहते हुए कुछ 44,000 एकड़ जगह वो अलग अलग समय पे इनके रहते हुए, इनकी रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा जो गई, परंतु विषय वो नहीं है। विषय है कि नवजोत सिंह सिद्धू बार बार क्यों कहते हैं कि इमरान खान मेरा भाई है, और उनके एक और सज्जन है जो उनके पहले इंचार्ज थे अभी तक, हरीश रावत, उन्होंने कहा जनरल कमर चीमा बाजवा साड़ा प्रा है। वो जनरल कमर चीमा बाजवा पाकिस्तान का जनरल जिसने हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चों की हत्या कराई, मेरे नौजवान शहीद हुए, औजला साहब की अपने यहाँ क्षेत्र के एक जवान की हत्या हुई, और ऐसे हनी सिंह मुझे याद है एक बच्चा था उसकी हत्या हुई, वो शादी करने आ रहा था उसकी हत्या करा दी इन लोगों ने जनरल बाजवा इमरान खान ने मिलकर। तो वो किस प्रकार की दोस्ती है, किस प्रकार का भाई बंद है? हाँ, मैं भी कल गया था वहां पर करतारपुर साहब, मैं आपकी जानकारी दे रहा हूँ, और कृपा करके वीडियो ऑन चेक करा लीजिए, वहां पर उल्टी बात ही, वहां के जो लोग थे वो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे कि आपने करतारपुर का लांगा खोल दिया, यहाँ उल्टा हो रखा मामला, यहाँ इमरान खान के तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, मेरा यार जलदार है, मतलब ये पहली बार ही। और दूसरी बात है, ध्यान रखिएगा, ये वो इमरान खान है जिसने राहुल गांधी के बयान को यूएन में कोट किया था, जब राहुल गांधी ने कहा था कि कश्मीर में बहुत सारे लोगों की हत्या हो रही है, उसने वही बयान को, हमें तो सच नहीं था, एक भी हत्या नहीं साबित हो पाई थी, उसी बयान को कोट किया। ठीक है, ठीक है, लेकिन औजला साहब ये तो चलिए, बीजेपी तो आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट है, आपको सवाल पूछना है, आप एक लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछना है, लेकिन जो नवजोत सिंह सिद्धू का स्टेटमेंट है जिसे आप एक निजी स्टेटमेंट बताकर इस पूरे मामले को बहुत छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सर, इसके खिलाफ तो आवाज आपकी पार्टी के भीतर से उठी है, और आवाज किसी और ने नहीं, मनीष तिवारी का ट्वीट में पढ़ती हूं, मनीष तिवारी ये कह रहा है कि इमरान खान मे बी एनी बडीज एल्डर ब्रदर, किसी के बड़े भाई होंगे, लेकिन भारत के लिए ही इज दैट कैट्स पॉ ऑफ पाक डीप स्टेट ISI मिलिट्री कंबाइन दैट ड्रोन्स आर्म्स, जो कि आर्म्स भेजती है, नारकोटिक्स भेजती है पंजाब में, टेररिस्ट भेजती है रेगुलर बेसिस पर, LC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन जम्मू कश्मीर, और क्या हम हमारे जवानों की शहादत पुंछ में इतना जल्दी भूल जाएंगे? क्या जवाब देंगे आप उन्हें? वो उनकी इंडिविजुअल राय है, वो जो भी कहना चाहते हैं, मनीष तिवारी जी ने कहा है, हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन जो जिस करतारपुर साहिब की धरती में खड़े होकर उन्होंने कहा है, वो करतारपुर साहिब जहाँ प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, दोनों की मर्जी से खुला है, वो एक की मर्जी से नहीं खुला है। तो उसकी धरती के ऊपर जब गुरु नानक देव जी के घर में जाकर उन्होंने जो बात कही है, सांझीवालता का प्रतीक है गुरु नानक देव जी, तो उसमें कोई बुरा नहीं कहा है। सर आप कह रहे हैं बुरा नहीं कहा है, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूं और टेररिज्म के आंकड़े मेरे साथ हैं, इसके अलावा वो सारे इंस्टेंसेस जब किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, और अब मैं कोट करूंगी ये रिपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस / मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन केसेस और नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर क्या आंकड़े दिए गए थे, और ये 30 जून 2021 तक के ही आंकड़े हैं, मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट की बात की जाए तो 11 इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा गया और 20 को पकड़ा गया। ये इसीलिए बार बार मैं कहती हूं, जो आतंक का सामान आपके यहां भेजता है, जो आतंकी आपके यहां भेजता है, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, वो नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा भाई है। अदिति जी, जिस हालातों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं,
और खास तौर पर जब बॉर्डर पर इस तरह के हालात बने हुए हैं कि हर रोज कुछ हमारे जो सैनिक इस देश की रक्षा करते हैं, जिनके कारण हम सुरक्षित हैं, उनकी शहादत होती है, उनके पिताजी उनकी चेता को आग देते हैं, उनका दर्द जब हम देखते हैं तो मैं जरूर कहूंगा ये स्टेटमेंट जो है ये अच्छी नहीं है। मान लीजिए अगर ये गलत स्टेटमेंट दे दी गई है, उसको कवर अप हम करें ये कह के कि नहीं जी देखिए निजी रिश्ते, ठीक है निजी रिश्ते होते हैं, लेकिन निजी रिश्ते उन लोगों से नहीं हो सकते जो हमारे देश के सैनिकों का सिर उतारने के देख हमारे घर उनकी लाश भेजते सिर उतार कर। और माँ ये कहती हूँ कि एक बेटा कोई बात नहीं कुर्बान हो गया, मैं एक और बेटा भी कुर्बान देश पे कर दूंगी। आज आप सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो देखती होगी कि हमारे दुश्मन को कुछ लोग अपना बड़ा भाई बताते हैं और वो भी हमारे देश के चुने नुमाइंदे हैं। तो कम से कम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ा है ये, तो हमें बहुत सोच कर समझ कर ऐसी बातों के ऊपर बोलना चाहिए। मेरी तो यही राय है, मैं तो ये समझता हूँ एक देशभ्रष्ट होने के नाते जिन लोगों के कारण हम रात आराम से अपने घर सो पाते हैं और वो एक कड़ती सर्दी में पहाड़ों के ऊपर बर्फ के अंदर हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमें उनकी शहादतों को इस तरह से दरकिनार करके अपने दुश्मन को भाई नहीं बताना चाहिए। मेरी अपनी सोच तो ये है, इससे उनकी शहादत को भी बहुत बड़ी चुनौती दी है नवजोत सिंह सिद्धू जी ने और हमारे बॉर्डर पर बैठे जवानों का भी मनोबल को बहुत बड़ी चोट पहुंची। मैं ये मानता हूं कि अगर आप उनकी राय लेंगे तो जरूर आपको जवान कहेंगे गलत किया है, गलत है ये बिल्कुल। और जवान कहे ना कहे क्योंकि वो तो देश सेवा से ओतप्रोत हैं, देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन प्रिंस खुल्लर कितना एम्बैरेस कराएंगे कांग्रेस पार्टी को? बीजेपी तो कह रही है, चलिए मैं तो कह रही हूं कांग्रेस पार्टी को एम्बैरेस करा रहे हैं। संबित पात्रा ने तो ये कहा कि अपने आप नहीं बोला नवजोत सिंह सिद्धू ने, राहुल गांधी के इशारे पर बोला है। देखिए अदिति जी, पहली बात तो ये है कि जो भी इनकी स्टेटमेंट है सिद्धू जी की वो निंदनीय है। बीइंग अ कांग्रेस मैन मैं ये बिल्कुल पार्टी के तरफ से कह रहा हूँ, कोई राहुल गांधी जी का ये बयान नहीं है। इससे जो शहादतें हुई हैं सैकड़ों जवानों की सरहदों पर, जो पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है, आपने सारी प्रवक्ताओं ने बात की, आपने भी सारे इन्फिल्ट्रेशन के गिनाए और उसको भाई कहना, ये बिल्कुल सीधा जो हमारे देश के सैनिकों ने शहादतें दी हैं जिनके परिवारों ने, उनको बहुत मन को आज ठेस पहुंची है, हमारे मन को भी ठेस पहुंची है। जब पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, जब ये बाजवा जनरल बाजवा को जफी डाल के हैं, तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे लिए देश सबसे पहले है, पॉलिटिक्स में इसमें कुछ नहीं है। और जहां पर आप ये संबित पात्रा जी राहुल गांधी जी के साथ जोड़ के देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका इंडिविजुअल बयान है। कांग्रेस इससे बयान से अपना किनारा करती है, हमारा कोई आपने बयान से किनारा कर लिया सर, अच्छी बात है आपने बयान से किनारा कर लिया। एक्शन लेंगे आप, कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी इस बार? देखिए जी, हमने तो हाई कमांड को कहना है, एक्शन तो हाई कमांड ने लेना है, मेरी तो उतनी हैसियत है नहीं कि मैं एक्शन ले सकूं, मैं चाहती हूं कुछ और डेटा अपने दर्शकों के सामने रखे। आरपी सिंह जी मैं फ्लोर दूंगी आपको, कुछ और डेटा सर मैं चाहूंगी जब आप अपनी हाई कमांड को कहें तो ये डेटा प्लीज उन्हें भेज दीजिएगा। ये एसएटीपी का डेटा है सर, 18 नवंबर 2021 तक का है। ये टेररिज्म कश्मीर में, मैं वो तस्वीर भी चाहती हूं, आज देश को जानना चाहिए कि इस देश के भाईजान, ये तो बड़ा भाई बता रहे हैं इमरान को, लेकिन देश के असली बड़े भाई कौन है? कुलगांव में बच्चों को आज जिस तरह से रेस्क्यू किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, अगर वो तस्वीर भी हम स्क्रीन पर ला पाएं और अपने दर्शकों को दिखा पाएं, क्योंकि आज इस देश को उन नेताओं को आइसोलेट करना है जो इस देश के सही हीरोज को नहीं पहचानते हैं, जो इस देश के दुश्मन को अपना बड़ा भाई बताते हैं। तो टेररिज्म के आंकड़ों की बात करूं कश्मीर में, तो 2021 में यानी इस साल में 18 नवंबर 2021 तक 131 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, टेरर इंसिडेंट्स। कितने टेररिस्ट मारे गए? 160 टेररिस्ट मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो शहादत दी गई वो नंबर 38 का है। सिविलियंस को जान गंवानी पड़ी, 35 सिविलियंस की जान चली गई। ये सब कहां से हुआ प्रिंस खुल्लर जी? ये टेरर इंसिडेंट्स, ये टेररिस्ट, ये शहादत किस क्यों देनी पड़ी? ये सिविलियंस की जान क्यों गई और ये जान किसने ली? इसे लेकर क्या कांग्रेस पार्टी में कोई कंफ्यूजन है या ये सिद्धू जी का कंफ्यूजन है?
नहीं नहीं ये तो सिद्धू जी की कंफ्यूजन है, हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये जो लोग भारत की तरफ आंख उठा के देखेंगे उनकी आंख निकालनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं शुरू से ही कांग्रेस का स्टैंड रहा है, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट थी कुछ भी था, हम ये कभी कतई बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे जवानों को टारगेट किया जाए, सिविलियंस को टारगेट किया जाए। यार बता रहे थे इमरान खान को झप्पी पा रहे थे पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, आपने क्या एक्शन लिया था तब सर? आप थोड़ा सा मुझे बताएं, मैं भूल गई कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या एक्शन लिया गया था, क्योंकि मुझे याद है उन्हीं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था मेरे कैप्टन कैप्टन अमरिंदर नहीं है, मेरे कैप्टन राहुल गांधी है। नहीं, बात यह है दीति जी कि एज ए पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने इसकी इसको समझाया भी सिद्धू साहब को कि आप ना जाएं, ऐसी बात ना करें, लेकिन ये नहीं माने। फिर जब वहां पे जफ्फी डाली, आके बात हुई, सब कुछ मीडिया में रहा, राहुल गांधी जी को भी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी कैप्टन साहब ने कहा कि इन पे लेना चाहिए। अब ये तो हाई कमान की क्या मजबूरी है जी, ये तो वही बता सकते हैं। तो मेरा उतना कद है नहीं, मैंने आपको पहले बोला, अलग सोचता है और आप लोग अलग सोचते हैं ग्राउंड पर। सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कैप्टन साहब ने भी उन्हीं का नाम लिया। कैप्टन साहब ने कहा कि मेरी मर्जी के बिना गया था वहां पर, मैं तो अपने सैनिकों के शहादत, जो हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं, जो ने उनकी शहादत लेते हैं, मैं तो उनसे कभी बात कर ही नहीं सकता, इस तरह से मिलने की बात कर ही नहीं सकता, मैं तो खुद भी नहीं गया था। उन्होंने तो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था सबको पता है, लेकिन जो लड़ाई कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई, उस लड़ाई में तो कैप्टन अमरिंदर को पार्टी छोड़नी पड़ी। ठीक है जी, वो छोड़नी पड़ी, लेकिन वो सिद्धांत के पक्के हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक, देखो वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने जो भी काम किए हैं, आज वो चाहे हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने पंजाब के लिए किया, जितने बड़े वो नेशनलिस्ट हैं उनसे तो कोई बता नहीं कर सकता, ये तो मोदी साहब भी मानते हैं, सारी पार्टी। तो आपका हाईकमान क्यों नहीं समझ रहा? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ, हाईकमान एक्शन लेगा, आला कमान एक्शन लेगा नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ? आप बताइएगा मुझे, आप मुझे बताइएगा, कमेंट ले लेती हूँ जनरल सिन्हा से, हमारी वर्कर्स जनरल सिन्हा से कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद आप जो टेरर भेजता हो, जो टेररिस्ट भेजता हो, वो नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा भाई। आदित्य अपने पर्सनल स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे कोई किसी का मित्र हो सकता है, बड़ा भाई कर सकता है, उसमें समस्या नहीं है। बट इमरान खान आज एक क्रिकेटर नहीं है, आज वो दुश्मन देश का प्रधानमंत्री है, आज वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के इशारे पे नाचने वाला प्रधानमंत्री है, और उस प्रधानमंत्री को आप बड़े भाई बोलते हो। नवजोत सिद्धू को मैं आईना दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से सरदार की बेटियों बहनों को पाकिस्तान में किडनैप किया जाता है, धर्म का परिवर्तन किया जाता है, गुरुद्वारों को तोड़ा जाता है, क्या ये चीज दिखाई नहीं पड़ता नवजोत सिंह सिद्धू को? मतलब तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसकी हद सीमा पार कर दी नवजोत सिद्धू ने। आप क्या नवजोत सिद्धू को पता नहीं है कि पंजाब में जो ड्रग का प्रॉब्लम है वो किसका देन है? जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो गजवाए हिंद की सोच है, जो खालिस्तान समस्या भूतकाल में हुई थी और जिसको 1984 में क्रश कर दिया गया था, तो वो उसके पीछे किसका हाथ था? बॉम्बे में ताज के जो होटल पर अटैक हुआ, 168 लोग मारे गए, वो कसाब किस देश का था? मेरा ख्याल है नवजोत सिंह सिद्धू इतिहास पढ़ता नहीं है, इसको इतिहास का कथा कथा नहीं पता है, ये राष्ट्रद्रोही है। नवजोत सिद्धू इज अ ट्रेटर, इज अ ट्रेटर। तुम जाके जफी मारते हो, कौन जफी मारने वाला है? वो जनरल बाजवा जफी मारने के लायक है, जिसके वजह से हमारे इतने जम्मू कश्मीर में हमारी बहनें विधवा होती हैं, उसको तुम जफी मारते हो, मेरा बड़ा भाई बोलते हो, धिकार है तुम पर, डिस्ग्रेस हुआ, तुम राष्ट्र के लिए अपमान हो, तुमको सर आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा संयम यहाँ पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रिंस खुल्लर, आपका जवाब और उसके बाद आरपी सिंह जी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, मैं तो अदिति जी यही कह रहा हूँ कि उन्होंने उसको बड़ा छोटा जो मर्जी के
पार्टी का इनकी स्टेटमेंट से लेना देना नहीं है, इनकी स्टेटमेंट से। आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है सर, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसे फिक्स कराएंगे जल्दी से। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी देखिए देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जब पिछली बार गए थे उन्होंने कहा था कि मेरे को राहुल गांधी ने भेजा है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। उन्होंने अहमद पटेल का नाम भी लिया था, वो नहीं थे हमारे बीच में, उनका नाम भी लिया था ये कहकर कि इन दोनों लोगों ने मुझे एक स्पेशल हवाई जहाज दिया जाने के लिए। तो जाते तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के बयान पे जितनी मर्जी बात मुकर लें, और मैं अगली बात कह रहा हूँ, ये आपस में कहीं ना कहीं एक साठगांठ है। उसका उदाहरण देता हूँ, अभी हाल में इन्होंने पंजाब की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया। क्या रेजोल्यूशन पास किया? कि जो बीएसएफ का जो छूट है 50% तक की, उसको कम किया जाए। क्यों? क्योंकि ड्रोन से जो हथियार, जो ड्रग्स, जो फेक करेंसी वहां से आती है पाकिस्तान से, वो 15% तक तो बीएसएफ उसको गिरा देगी, आगे आएगी तो हम डील कर लेंगे। मतलब कहां क्या मामला जुड़ा, क्या पता किसका कहां भाई का मामला कहां जुड़ गया, किसका जाकर और किसकी किसके लिए कहां का कैसे मदद हो रही है। आप देश के हक में मतलब बीएसएफ का जवान 15 किलोमीटर तक रोके, उसके बाद आगे 35 किलोमीटर कोई और जाकर रोकेगा, ये थोड़ा बात बनेगी। तो बस फर्स्ट है कहना के आपस में मिला हुआ मामला है, कहना के सांठगांठ है, और वो राहुल गांधी के कहने पे ही हो रहा है, बिना राहुल गांधी की मर्जी तो पता नहीं चलता। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है, राहुल गांधी की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है। औजला साहब ये कह रहे हैं यहाँ पर आरपी सिंह जी, और इस मैं आपको दूंगी प्रिंस खुल्लर जी, प्लीज प्रिंस खुल्लर जी मैं आपको फ्लो दूंगी, जल्दी से आपका जवाब औजला जी। क्या बीजेपी ये बता सकती है, इंटरग्रेटेड चेक पोस्ट है वो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आती है, 2012 में वो शुरू हुई है। ट्रक जो माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसी के जरिए अब अटारी से होता है। पाकिस्तान ने 2012 से ट्रक इसके अंदर लगे हुए हैं। बीजेपी ये बता सकती, जिसकी जो पंजाब में ड्रग आ रहा है वो बार बार उस आईसीपी से आता है, अभी तक ट्रक स्कैनर इंस्टॉल होकर चालू नहीं हुआ 10 साल में, ये किसकी बात कर रहे हैं? पुलिस आपके पास है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी इनकी है, पकड़ते क्यों नहीं? और बार बार ड्रग्स आता है पार्लियामेंट में, हमने बोला बार बार पार्लियामेंट बोलने के बावजूद कौन लोग सवाल पूछा, तो आरपी सिंह जी से जवाब ले लीजिए, आरपी सिंह जी से जवाब ले लीजिए, आरपी सिंह जी जवाब पूरा दीजिए जो उन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब। लेकिन लेकिन औजला साहब 2012 का आपने जिक्र किया, 2 साल तो आपकी पार्टी की भी सरकार थी ना सर, 2 साल तो आपकी पार्टी की भी सरकार थी सेंटर पर, मोदी जी 2014 में आए ना, ठीक है जवाब आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए बड़ा स्पष्ट है, वहां की पुलिस इनके पास है, और मैं कह रहा हूं कि इनकी मिली भक्त के बिना होता नहीं, मतलब मैं औजला साहब के नहीं, मतलब वहां के जो पॉलिटिकल लोग हैं और वहां के जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी मिली भक्त के बिना तो आ ही सकता सवाल। तो किसकी बात कर रहे हैं, ड्रोन से उठ कर आ रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, एकदम प्रिसाइज होकर बोलिए किसकी बात कर रहे हैं आप, एकदम पिन पॉइंट कीजिए ना सर। पॉलिटिशियन जब आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी अगर आप कह रहे हैं, तो कौन है? कांग्रेस है, श्रोमणी अकाली दल है, कौन है? मैं तो कह रहा हूँ जिनकी जिम्मेवारी है कि उसको रोके, उसकी चिंता करे, उनको पकड़े। और मैं नहीं कह रहा, नवजोत सिंह सिद्धू भी कहते हैं बीच बीच में कि वहां पे ड्रग्स के ऊपर मुकदमे नहीं हो रहे, ड्रग्स वालों की चिंता नहीं कर रहे, ड्रग्स पे जो जितना कसा चल रहा है, शिकंजा उतना कर, ये नवजोत सिंह सिद्धू भी कहते हैं। और अफसोस ये है कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है, कहने को यहाँ कहते हैं ड्रग्स की बात करेंगे और ड्रग्स को रोकना चाहिए, वहां उसको भाई बताते हैं जो ड्रग्स बेचते हैं। अफसोस ये है, जो ड्रग्स भेज रहे हैं वो भाई है, और यहाँ पे आकर कहेंगे नहीं नहीं ड्रग्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, यहाँ के पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं, यहाँ के लोग मिले हुए हैं जो ड्रग्स यहाँ पे ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। तो पूरा मामला ये है, मैं वापस से दोहरा रहा हूं, बिना राहुल गांधी के मर्जी के नवजोत सिंह सिद्धू, जिसको राहुल गांधी अपना कैप्टन कहते हैं, एक अक्षर नहीं बोलते। ठीक है औजला साहब, आरपी सिंह कह रहे हैं वही बात जो मैंने आपसे शुरू में भी कही कि बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के इशारे पर नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान को बड़ा भाई बता रहे हैं। तो जो बीजेपी जाकर वहां बिरयानी खाती है, जो वहां जाकर केक काटती है, वो क्या है? जब वाजपेयी जी ट्रक जब श्राद्ध खोलने के लिए बस लेकर गए थे, वो क्या था? जवाब दे सकते हो? ठीक है, जो गुआंडी देश है उसके साथ तालुकात अच्छे होने चाहिए, हमने उसका वेलकम किया, लेकिन जब ऐसी बात करते हो तो इसका भी जवाब दे दिया जाए। ये हिंदू मुस्लिम हिंदू पाकिस्तान ये बंद करें, ये आप देश को सही दिशा में ले जाने के लिए इकट्ठे होकर सबको जरूरत है। जो जो चाइना अंदर घुस चुका है,
आपके ऊपर से उसने एक एक कॉरिडोर बना दिया है पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया क्या कर रहा है जी? ठीक है आरपी सिंह जी, आपका जवाब, उसके बाद जनरल सिन्हा प्लीज जल्दी जल्दी, और मनजिंदर सिंह सिरसा जी प्लीज। सर मेरा चैनल सरकार के लिए कहीं साबित कर दिया, चैनल उसे मानूंगा, परंतु जीते ना आप वो डॉक्यूमेंट दुनिया के सामने ला देंगे जिसपे राहुल गांधी ने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ साइन किए थे और उसके एवज में पैसे आए थे, उसके बारे में बता दीजिएगा। आपको अधिकार ही नहीं है चाइना को और हिंदुस्तान के बारे में बोलने का। असल में क्या है, ये सबके सब वो लोग हैं, मैं जोगा साहब की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, ये वो लोग हैं जो खाते यहाँ की है और चिंता बाहर के लोगों की करते हैं, जिन चिंता क्रॉस बॉर्डर जो लोग उनकी करते हैं, मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। नहीं तो नवजोत सिंह सिद्धू ने खुले कहा कि मेरे को तो राहुल गांधी ने भेजा, मेरे को हवाई जहाज अहमद पटेल ने दिया। अरे भाई क्यों दे रहे हो, जब आपका कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे नहीं जाना चाहिए, उनके मर्जी के खिलाफ, उनकी मर्जी के विरोध में आप जाते हो। प्रिंस कुल्लर आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, सर लीजिए जवाब लीजिए। प्रिंस कुल्लर मैं आरपी जी को बता दूं, आरपी जी बार बार आप एक बात कर रहे हो कि चाइना पे कुछ नहीं, आप इस बात पे क्यों नहीं आते, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है कि चाइना ने 40 किलोमीटर तक आके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली, सबके सामने उत्तराखंड आके फुल तोड़ के अंदर बैठ गया। चैलेंज स्वीकार करो, मैं चैलेंज के साथ जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया आप लोग क्या कर रहे हो, आप ही देखो ना, आप वो किसको सही कहता है, क्या कहता है, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, कहा राहुल गांधी जी ने कहा कि तुम जहां ले जाओ, एक बताओ साहब राहुल गांधी ने बॉर्डर में आकर सिद्धू को बोलने का, क्या सिद्धू कह देगा कि नहीं मुझे मोदी जी ने एक प्लेन देकर भेजा, मानेंगे? अच्छी बात बताओ, पंजाब में ड्रग्स में 65,000 लोग रखे हैं, हमारी सरकार ने 65,000 लोग रखे हैं। इस तरह से तूतू मैं नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी और जनरल सिन्हा आपको फ्लोर दूंगी, लेकिन उससे पहले चाहती हूँ, आज नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा और बीजेपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबित पात्रा ने, तो किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, कि हिंदू में कांग्रेस को आईएसआईएस और बोको हराम दिखता है, हिंदू में कांग्रेस को आईएसआईएस और बोको हराम दिखता है, इमरान खान में कांग्रेस को भाई जान दिखता है, पूरी कांग्रेस कहती है ठोको ताली ठोको ताली ठोको ताली। पौनी सदी पहला वेड़े विच कड लईयां कंधां, 75 साल पौनी सदी पहला वेड़े विच कड लईयां कंधां, चलो कड लईयां हुण की सलावां जां मैं निंदा, चलो कड लईयां हुण की सलावां जां मैं निंदा, पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास, पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास, इनू आख लो दुआ मेरी या कह लो अरदास, ओ गल ते ओ गल ए है के कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण, कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण, कंधा अन्नियां ना होण बूहे बारियां भी होण। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा इमरान खान को लेकर, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लेकर भी जो उनके जो उन्होंने हक दिया था उसे लेकर जो रिएक्शन उनकी तरफ से आया था, हिंदुस्तान में कोई इस पे ताली बजा सकता है क्या, भारत में कोई ऐसे खुश होता है क्या, तो फिर किसे खुश कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? अदिति जी ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा था फिर दोबारा कहता हूँ, देखिए इंसान के मेरे निजी रिश्ते हो सकते हैं, आपके मेरे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की एक सीमाएं होती हैं, और ख़ास तौर पर जो चुना नुमाइंदा होते हैं उनका एक संदेश जो है वो बहुत सीमित और बड़े तरीके वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके देश के खिलाफ जाए, देश की भावनाओं के खिलाफ जाए, और फिर उसको आपके दुश्मन जो स्टेट है वो अपने टीवी चैनल पे चलाए। अब देखो आज एम्बेरसिंग सिचुएशन क्या होगी, मैं ये प्रज्यूम करके चल रहा हूँ कि आज पाकिस्तान की टीवी चैनलों पे वो ये दिखाएंगे कि देखिए जी नवजोत सिंह सिद्धू तो इमरान के भाई हैं लेकिन बाकी जो हैं वो देश के गद्दार हैं, उनके लिए तो यही बात सूट करती है, उनको तो सूट करती है।
अब देखिए आपके भी कोई जान पहचान वाले दूसरे मुल्क में हो सकता है, मेरा भी कोई हो सकता है, मेरे भी निजी रिश्ते हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, लेकिन उन निजी रिश्तों को हम अपने देश के ऊपर नहीं मान सकते। और खास तौर पर जब वो देश एक सीधे तौर पर टकराव में हो दूसरे देश से, जो हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करता हो, हमारी जगह के ऊपर हमला करता हो। सिरसा साहब, आपको क्या लगता है, क्यों बयान दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने? क्या मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूं, नवजोत सिंह सिद्धू में इतनी हिम्मत है ये बात कहने की? मेरी विनती सुनिए जी, नहीं मेरी विनती सुनिए, मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी की बड़ी कदर करते हुए एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ। सिद्धू साहब, आपका दोस्त है इमरान खान, आपका बहुत अच्छा रिश्ता है, निभाइए आप, पर आप क्या उसको इमरान खान को और उसके मुल्क में खड़े होकर ये कह सकते हैं, इमरान खान भाई ये गलत बात है, 4 किलोमीटर दूर हमारा करतारपुर गुरुद्वारा है, ये गलत है, तुम जाति कर रहे हो, हमें दे दो, ये है हिम्मत इतनी बात कहने की? ये दोस्ती तो केवल दिखाने के लिए नकली मखौटा है ना, ये दोस्ती देश के काम आने के तो ले रही है, धर्म के नाम आने के तो नहीं है। कहें नवजोत सिंह सिद्धू, हम भी उनका सम्मान करेंगे, बोले उस धरती पे खड़े होके कि नवजोत सिंह सिद्धू तेरी मेरी इमरान खान दोस्ती है, भाईपंती तो ही निभेगी, ये 4 किलोमीटर का दूर है, कोई रस्ते में गांव नहीं है, कोई रस्ते में आप देखिए, जी जी सर मैं जवाब लेती हूँ ना, प्रिंस खुल्ला से कोई घर भी नहीं है, प्रिंस खुल्ला कोई घर भी नहीं है। सिद्धू साहब का मैंने पहले कहा है कि वो उसको बड़े भाई माने छोटा माने, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सिद्धू साहब को ये चाहिए था तो अगर इतनी दोस्ती है उस क्लाउड का इस्तेमाल करके, उसको ये कहना चाहिए कि वहां से ड्रोन भेजने बंद करो, फायरिंग बंद करो, ड्रग्स भेजने बंद करो। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं प्रिंस खुल्लर जी, नवजोत सिंह सिद्धू का रुतबा स्टेटस आपकी पार्टी में क्या है, वो कौन सा डिजिग्नेशन होल्ड करते हैं, आप ही बताइए मुझे। नहीं होल्ड करते हैं, जो बात गलत है तो होल्ड जो मर्जी करते रहे जी, मैं सबसे तो पहले हिंदुस्तानी हूं। आप खुद इस डिस्कशन में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि ये बात गलत है, तो क्या हम एक्शन देखेंगे नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ? क्योंकि इससे पहले वो बिल्कुल होना चाहिए, इससे पहले वो अगस्त 2018 में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को हक कर चुके हैं, उन्होंने उसके बाद ये कहा कि इट इज अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन दैट यू एक्सटेंड अ हैंड टू समवन व्हेन दैट पर्सन एक्सटेंड्स इट टू, इफ समवन इज गिविंग समथिंग विदाउट इवन आस्किंग फॉर इट यू फील ह्यूमन। इसके अलावा सुन लीजिए सर, इसके अलावा ये कोई पहला ऐसा नहीं है, कभी वो इमरान खान में उनको फरिश्ता दिखता है, कभी उनमें यार दिखता है, दिलदार दिखता है, कभी बड़ा भाई दिखता है, तो सर मैंने कहा एक्शन लिया, वो सब कुछ देखें, उसमें अपना महबूब देखें, दिलदार देखें, जो मर्जी देखें। अब बात ये है कि उनके कारण पूरी पार्टी को एम्बेरस होना पड़ रहा है, ये जो बीजेपी आज ये बातें कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की सोच ये है, फलाने की सोच ये है, तो जवाब तो हमें देना पड़ रहा है उनका, क्या है वो दिलदार कहें जो मर्जी कहें, उनका अपना पर्सनल रिश्ता हो सकता है, बट एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, कांग्रेस पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, उसमें उनको ये देखना चाहिए कि अगर आपके रिश्ते हैं तो बात तो ये करो, आपके यहाँ से ड्रोन भेजने बंद करो, ड्रग्स बंद करो, सारा कुछ करो, तब व्यापार खोलने की बात करेंगे। प्रिंस खुल्लर जी, तो यानी आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि आज जब आपको यू हैव टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, आप भी मजबूर हैं, आप भी बेबस, बिल्कुल आप हेल्पलेस, बिल्कुल एक्शन कौन, बिल्कुल हेल्पलेस है, एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो हाई कमांड ने लेना जी, बात करेंगे सर, वैसे ही एक्शन लेंगे, वैसे ही एक्शन लिया जाएगा जैसे पहले लिया गया इससे पहले, यानी नो एक्शन? नहीं नहीं नो एक्शन, देखिए जी कई बार कोई ये तो हाई कमांड की है बात के क्या कोई प्रॉब्लम है या किस वजह से, लेकिन ये जो भावनाएं हैं सभी हमारे हिंदुस्तानी की पंजाबी सभी की भावनाएं आज होनी है, शहीदों की भी आज होनी है, वो एक्शन नहीं लेंगे, ये इस पे होना चाहिए। प्रिंस खुल्लर जी, जी क्योंकि उन्हें गांधी फैमिली का करीबी माना जाता है इसलिए एक्शन नहीं हो पाता, अलग अलग रूल्स हैं कांग्रेस पार्टी में। नहीं नहीं जी देखिए रूल्स का तो मैंने पहले ही आपको कहा देती जी कि मैं उतनी देर तो कुछ हमारा कद उतना है नहीं कि एक्शन ले ले, अगर मेरे पास होता तो मैं एक्शन जरूर लेता, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान इसको देख रही है, आप आज हम नेशनल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं? जनरल सिन्हा आप लगातार हाथ उठा रहे थे सर, ये आदिति मैं कुछ बिंदुओं पर टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस को यह डिफाइन करना पड़ेगा, अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है कि नहीं। यदि पाकिस्तान दुश्मन देश है तो मणिशंकर अय्यर क्यों पाकिस्तान जाता है और
और आर्मी और आईएसए के सामने झुक के कहता है कि मोदी जी को हटाओ। ये कांग्रेस को सफाई देनी पड़ेगी। कांग्रेस को सफाई देनी पड़ेगी कि कर्नल पठानिया को मिशन सेक्टर में पाकिस्तान दुश्मनों पे गोली फायर करने के लिए जेल क्यों भेजा गया, वो कौन राष्ट्रभक्ति थी। कांग्रेस को यह सफाई देनी पड़ेगी कि दुश्मन के गोली का जवाब देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन क्यों चाहिए होता था, क्यों नहीं ऑपरेशन और टैक्टिकल फ्रीडम जमीन पे लोकल कमांडर्स को दी गई थी। ये खाली बड़ी बड़ी बात करते, ये खाली तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, खाली खाली वोट बैंक वोट बैंक, क्योंकि कुछ बोलेंगे तो यहां के मुसलमान उनके खिलाफ हो जाएंगे। ये कहानी है प्रिंस कुल्लर, और ये कह रहे हैं वोट बैंक की बात, ये पॉलिटिक्स आपकी मजबूरी है। नहीं नहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं जी, कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, सेकुलर पार्टी है, कोई मुसलमान कोई हिंदू कोई ऐसा नहीं है, हम कोई इनकी तरह नहीं है कि कोई वोटों की पोलराइजेशन ऑफ वोट्स करनी है हमने, हर एक बात पे एक्शन हुआ है। अगर इनको मनीष शंकर अय्यर की बात पे एतराज है वीजे का, तो वीजा तो भारत सरकार देती है, पंजाब सरकार के हाथ में तो नहीं है, तो आप रोको वीजा रोक देते हैं उनका। अगर वीजा अप्लाई किया है किसी बात पे किया, अगर इनको एतराज है तो रोक दे भारत सरकार वीजा, हमने कब मना किया कि वीजा आप दो ना रोको उनका। अगर आपको लगता है कि कोई उनके रिलेशन है आपकी एजेंसीज हैं तो काम करो। यूपीए के सरकारों में कांग्रेस ने हमेशा जब भी कोई एक्टिविटी पाकिस्तान की ओर से हुई है मुंह तोड़ जवाब दिए हम लोग, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कांग्रेस के टाइम भी, तो ये कह देना कि जी डिफेंस से परमिशन लेनी है फलाना परमिशन लेनी है, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ इनकी सिन्हा साहब की बात से। कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, हम बिल्कुल पाकिस्तान के उल्टे, जो गलत बात होगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो हमारे देश को अस्थिरता पैदा करेगा उसके साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं है। मिशेल सेक्टर में गोली चलाने पे दुश्मन पे पाकिस्तान पे उसको जेल भेजा गया बेचारे को। वाह बात आज ये है, बात आप मुद्दे से दूसरी तरफ डिबेट कर रहे हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता ना बन के अपनी जो डिफेंस जो आपका है उस पर बात करें, कांग्रेस की बात करें। मैं बता रहा हूँ कि जो भी एक्शन जब कोई हुआ है कांग्रेस ने, जब भी हमारी सरकार थी सेंटर में ठोक के एक्शन लिए है, मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन की बात का, कभी भी कांग्रेस ने कभी हाथ नहीं मिलाया। इस तरह से शोर नहीं, इस तरह से हंगामा नहीं, ये स्पष्ट करते हुए दर्शकों को कि पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता है। हमारी लगातार हमारे डिस्कशन में कोशिश होती है हर साइड को जगह मिले, हर साइड हर पार्टी अपनी बात रख सके उस मुद्दे पर, ये हमारी कोशिश रहती है, लेकिन हम पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करते हैं। आरपी सिंह जी, लगातार आप भी कहना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर आपसे सवाल पूछ रही है, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप आप दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अभी जनरल साहब ने बताया ना कि किस प्रकार फौज के हाथ बांध देते थे और कोई छूट नहीं मिलती फौज को, अब क्या है, अब सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है, अब रेड स्ट्राइक भी होती है, अब तो सर आप चाइना को लेकर कांग्रेस को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे सर? मैं हमें कमजोर कन्विंस कर रहा हूँ लोगों को, इनके करार मैं तो वापस से फिट कर रहा हूँ, इनके लेटेस्ट कारनामे है अब कहने के साथ, इन्होंने उसके एवज में पैसे नहीं है, इनके बैंक खातों में पैसे हैं, मैं तो चैलेंज में स्पष्ट कह रहा हूँ करने की चाइना से बात करने की बात करते थे, आज कितने परसेंट कितने गुना किया उनसे, मैंने आपको ठोका नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो एक बात समझ लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन राहुल गांधी है, और राहुल गांधी की मर्जी के बिना नवजोत सिंह सिद्धू एक सपनी बोलता, और इमरान खान राहुल गांधी को कोर्ट करते हैं यूएन में जाकर। ठीक है सर, अब आप कोई पुरानी बात रिपीट कर रहे हैं सर, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब आप मुझे नहीं दे पा रहे, लेकिन जब आप ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है सर, आपने पैसों के लेन देन की बात कही सर, ठीक है सर, अभी मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर कंक्लूड करना पड़ेगा। आरपी सिंह जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, प्रिंस खुल्ला और जनरल सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात को दोहराते हुए जो मैंने अपने डिस्कशन में कई बार कही है, व्यक्ति से बड़ा होता ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सिस्टम में दल होगा तो स्वार्थ से बड़ा दलहित, और दलहित से बड़ा क्या होता है, दलहित से बड़ा होता है देशहित। आज सभी नेताओं को इस देशहित का पाठ पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।